गाजीपुर के बहरियाबाद थाना क्षेत्र में चक फरीद गांव में तब बवाल मच गया जब रविवार को भोर में टहलने गए पूर्व प्रधान वापस लौट कर ही नहीं आए। जानकारी के अनुसार चक फरीद गांव के निवासी पूर्व प्रधान नूर मोहम्मद उम्र 52 रोज की तरह भोर में करीब 3:30 बजे टहलने गए थे लेकिन वापस ही नहीं लौटे। काफी देर होने के बाद परिवार के लोग उनकी तलाश करने लगे, तभी गांव के कुछ लोगों द्वारा सूचना मिली कि घर से करीब 700 मीटर दूर स्थित कब्रिस्तान के बगल में हौदा भीटे के पास उनका शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही बदहवास होकर परिवार के लोग मौके के लिए दौड़ पड़े। घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना की जानकारी होते ही क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक सहित एसओ रामनिवास पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए थे। बाद में एसपी ग्रामीण गोपनाथ सोनी भी मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी ली। दिन में करीब 12 बजे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने भी घटना स्थल का मौका मुआयना किया। उन्होंने बताया कि मृतक के जख्मों को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाले से वार किया गया है। घटना के संबंध में पूछताछ में मृतक की पत्नी ने बताया कि वो शराब का सेवन भी करते थे। घटना को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या में किसी परिचित का ही हाथ है। घर वालों ने कोई ऐसा एंगल नहीं बताया है जिससे हत्या के कारणों का स्पष्ट पता चल सके। हाँ, इतना बताया गया कि जिस स्थान पर शव मिला है वहां पर बैठकर पूर्व प्रधान सुबह से ही शराब का सेवन शुरू कर देते थे। हो सकता है कि शराब पीने के दौरान किसी से कोई विवाद होने पर यह घटना हुई हो। बताया कि मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द घटना का पर्दाफाश करने का निर्देश दिया गया है। ये जनपद गाजीपुर के बहरियाबाद थाना अंतर्गत बहरियाबाद में एक 52-55 वर्षीय लगभग उम्र है नूर मोहम्मद जी हैं, जो यहाँ पे रात्रि में 3:30-4 बजे के आसपास आए थे और कुछ लोगों के साथ उनके साथ उठना बैठना था। तो किसी ने यहाँ पे यहीं पे डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी देखने से लगता है कि भाले से उनको लगा है। और ये 1997 में उप प्रधान थे, तो उस समय प्रधान की मृत्यु पे होकर के इनका जो है प्रधान का इनको चार्ज दिया गया था, ऐसा लोग यहाँ पे बताते हैं। और इस संदर्भ में बहरियाबाद में अभियोग पंजीकृत किया गया है और ऐसा प्रतीत होता है कोई इनका परिचित ही है। घर वालों से परिजनों से सबसे वार्ता की जा रही है और ये अक्सर इधर से निकलते थे, ही आते थे पेड़ के नीचे 3-4 बजे के आसपास, यहाँ यहीं से मॉर्निंग वॉक जाते थे। तो इस संदर्भ में बहरियाबाग में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही इसका जो है पता लगा। सुनने में आया कि उसकी पत्नी ने बताया कि मतलब ड्रिंक भी करते थे, क्या है? हाँ, ये उनकी वाइफ ने बताया कि यहीं पे बैठ करके रोज सवेरे 4 बजे से ही ड्रिंक किया करते थे। तो इस संदर्भ में भी अब पूरा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और अभी घर वालों ने परिजनों ने कोई ऐसा एंगल नहीं बताया है जिससे पता चले कि क्या हत्या कैसे हो सकती है, लेकिन ड्रिंक करते थे यहाँ पे बैठ करके, ऐसा उनकी पत्नी ने बताया कि सवेरे 4 बजे से ही बैठ करके ड्रिंक करते रहते थे। तो हो सकता है उन्हीं में से कोई हो, कोई बात हुई हो जिसमें इनसे हाथापाई की हुई हो, किसी ने नुकीली चीज़ से व्यवहार कर दिया हो। सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएंगी और शीघ्र ही हम जिसने भी यह कृत्य किया है उसको गिरफ्तार करके और जेल भेजेंगे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।